सो हाय गाइस, आज मैं बात करूंगा PS1 मूवी के टीजर वीडियो के बारे में। ये मूवी 30 सितंबर 2022 को रिलीज की जाएगी। अब बता देंगे PS का अर्थ क्या है। PS का फुल फॉर्म है पोन्नियिन सेल्वन। ये एक तमिल लैंग्वेज का वर्ड है। इसका अर्थ है द सन ऑफ पोन्नी, पोन्नी का पुत्र। ये मूवी कल्की कृष्णमूर्ति द्वारा 1955 में लिखी गई पोन्नियिन सेल्वन बुक पर आधारित है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इस मूवी को वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर मणिरत्नम सर ने डायरेक्ट किया है। मणिरत्नम सर जिन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगू लैंग्वेज में काफ़ी अच्छी हिट फिल्में दी हैं, जिसमें रोजा, बॉम्बे, रावण, गुरु आदि मूवी शामिल हैं। इस मूवी का जो संगीत है वो AR रहमान ने दिया है। ये मूवी राजा चोला और उसके साम्राज्य के सैनिक कमांडर वल्लावरियन वंद्यदेवन के जीवन पर आधारित है। ये मूवी एक फिक्शनल मूवी है। तो ऐसा नहीं है कि इस मूवी को पहले बनाने की कोशिश नहीं की गई। 1958 में M.G. रामचंद्रन ने इस बुक के राइट्स खरीदे थे और इस बुक पर आधारित मूवी को बनाने की इच्छा जाहिर की थी, पर कुछ कारणवश जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो वह 6 महीने के एक बेड रेस्ट पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी समय बाद भी इस मूवी को नहीं बना पाते। 1994 में मणिरत्नम सर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे इस बुक पर आधारित एक मूवी बनाना है, जो कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, पर उस वक्त भी फंड की कमी से वो ये मूवी नहीं बना पाए। 2010 में उन्होंने फिर से एक इस मूवी को बनाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने 100 करोड़ का अपना मूवी का बजट भी रखा था, बट किसी कारणवश वो उस वक्त भी इस मूवी को नहीं बनाया। फाइनली 2019 में लाइका प्रोडक्शन की फंडिंग से उन्होंने इस मूवी को बनाना स्टार्ट किया, जिसकी शूटिंग 2019 से स्टार्ट होकर 2021 में ख़त्म हुई। सो अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें सारे साउथ बेस्ड फेमस एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। इसके अलावा बॉलीवुड की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और एक्टर अमिताभ बच्चन जी भी हैं। सो अगर इस मूवी की सिनेमैटिक सीन्स, सिनेमैटिक सेट्स और डायलॉग और एक्शंस की बात करें तो वो काफ़ी अच्छे हैं, जो कि बाहुबली जैसी सुपर हिट मूवी को भी टक्कर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस मूवी को 500 करोड़ के बजट में बनाया गया है, पर मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइड ये 1,000 से 2,000 करोड़ तक भी कमा सकती है। तो जैसे कि ये एक फिक्शनल स्टोरी पर आधारित मूवी है, पर उस फिक्शनल स्टोरी को भी एक रियलिस्टिक तरीके से बताने की कोशिश की गई है। इस मूवी को इंडिया के अलावा थाईलैंड में भी शूट किया गया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक यू।